अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीमर है यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक जो है वो प्रोटीन मालिक्यूल बनाते हैं तो को कोई भी प्रोटीन जब सेंथिसाइज होती है तो सबसे पहले स्टेप के ऊपर अमायनो एसिड्स को आपस में एक दूसरे से जोड़कर एक जो है वो लीनियर चेन की फॉर्म में लाया जाता है और यही जो लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होगी जिसको हम जो है वो चेन कहते हैं जो एक्चुअली प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है तो पोलीपेप्ट चेन जो होगी इसमें एक एंड के ऊपर हमेशा जो था वो जहाँ से स्टार्ट होती है तो एक तरफ जो होता है अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है और जहाँ पोली चेन एंड करेगी वहाँ हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होगा आल द अमाइनो एसड्स इन पोली चेन आर इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे आर लिंक थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक कोवेलेंट लिंकेज है अगर हम इसको देखें तो यहाँ दो अमाइनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और दूसरे का अमाइनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे वाटर मालिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाए वर्क वन जो है वो हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर वाटर मालिकूल बनाएंगे रिलीज हो जाएंगे और इससे कार्बोक्सिलिक का कार्बन और अमाइनो का नाइट्रोजन आपस में थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड लिंक हो जाते हैं जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं सो पेप्टाइड बॉन्ड जो है अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड है डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसकी ख़ास जो है एंगल्स हैं ये ख़ास इसके एंगल्स हैं तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिटेल में देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ सिंगल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान में आ जाती हैं इस वजह से जो है ये थोड़ा सा जो है डायरेक्शनल बॉन्ड के तौर पर इसको जो है डायरेक्शनल रखता है और इसी वजह से प्रोटीन जो होती हैं वो एक ख़ास एंगल के ऊपर बैंड कर रही होती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर तो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम देखें तो प्रोटीन की इसके दो बेसिक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं नंबर वन प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल अबाउट द साइज़ ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन कितनी बड़ी है उसका मेलेकुलर वेट कितना होगा ये हमें उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है जो जा सिंपली कोई अगर प्रोटीन जो है उसके अंदर हंड्रेड अमायनो एसिड्स मौजूद हैं एक अमायनो एसिड का एवरेज मोलेकुलर वेट अबाउट वन टेन है तो इसका मतलब है कि वन टेन को हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो अबाउट जो है इलेवन या टेन के डी है जो उसका मेलेकुलर वेट आ जाएगा तो जितना किसी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो जो है हाँ प्रोटीन का साइज़ एस्टिमेट करवाएगा हमें दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स तो किस अमाइनो एसिड के बाद कौन सा अमाइनो एसिड आएगा ये हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा तो आमतौर पर जो सीक्वेंस किसी भी अमाइनो एसिड की पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी एक अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे प्रोटीन मे बिकम नॉन फंक्शनल जैसे अगर आप देखें अपने सेल एनीमिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो ग्लूटेमिक एसिड की जगह सिर्फ वेलिन आता है तो एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरे के पूरा जो हीमोग्लोबिन आ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है तो सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है तो इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें मिल रही हैं विद रेफरेंस टू साइज एंड विद रेफरेंस टू स्पेसिफिकली द सीक्वेंस ऑफ माइनोसर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट